So, इससे पहले मैंने 5th क्लास का लेसन लिया था, क्वेश्चन आंसर्स लिए थे, खाली स्थान भर के लिए थे, फिर से शब्दों को शुद्ध करना लिए थे। सो आज हम लोग लेंगे 5th क्लास का जो बेईमान मंत्री के वचन बदलिए, विलोम शब्द एंड पर्यायवाची शब्द। सो सब लोग अपना बुक निकालिए, से पेज नंबर 30, ओके 30 एंड 31। सो आज हम लोग लेंगे ग्रामर, एक वचन एंड बहुवचन एंड विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स एंड पर्यायवाची शब्द अंटे एक शब्द ने अनेक पैर उन्ना शब्दालु। से नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, तो सब लोग अपना पेज बुक निकालिए, 5th क्लास बेईमान मंत्री पेज नंबर 30। सो इसमें हम लोग लेंगे वचन एंड विलोम एंड इसमें लिखेंगे पर्यायवाची शब्द। ओके सो वचन बदली, वचन विलोम विलोम एंड पर्यायवाची शब्द। ओके सो पर्यायवाची शब्द। सो देखो वचन में है मछली, मछली घोषणा, घोषणा फोड़ा एंड फोर्थ वन मछुआरा, फिफ्थ वन हिस्सा एंड सिक्स्थ वन जेल। ओके सो विलोम में दिया है ताजा, ताजा राजा बेईमान, बेईमान प्रसन्न एंड इनाम एंड गुस्सा। ओके सो ये है हमारे विलोम शब्द, क्या है विलोम शब्द में दिए गए। सो अभी लिखेंगे पर्यायवाची में हम लोग राजा, मछली, सागर और गरीब। ओके सो इसमें आपको तीन तीन लिखना है, क्या क्या करना है, तीन तीन उसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ओके सो क्या लिखेंगे हम लोग पर्याय, फर्स्ट वचन बदले में लिखेंगे एक वचन एंड बहुवचन। एक वचन अंटे ओकर उंडे नेमो एक वचन, से मछली, घोषणा, कोड़ा, मछुआरा, हिस्सा, जे। सो एक वचन में ये आते हैं, अनेक वचन में क्या आएगा, एक से ज्यादा रहेंगे तो अनेक वचन। सो मछलियां क्या लिखेंगे, मछलियां। ओके एक रहेगी तो मछली, एक से ज्यादा रहेंगी तो मछली। घोषणाएं, घोषणाएं। ओके घोषणाएं मीन्स घोषणा अंटे अनाउंसमेंट, से चाला घोषणाएं अंटे वेरे वेराइटीज अनाउंसमेंट चेसे घोषणाएं। कोड़ा, कोड़े क्या लिखेंगे, कोड़े। मछुआरा, मछुआरे, मछु आरे। हिस्सा, हिस्से। ओके जेल, जेले। सो एक वचन एंड बहुवचन में ये आता है। सो विलोम शब्द, विलोम शब्द अंटेंटिदी, अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स में देखो क्या है आपको, ताजा, ताजा अंटे फ्रेश। सो फ्रेश इदी एमंटारु, ताजा बासी, क्या लिखेंगे, बासी। बासी अंटे खराब है ना। सो
మమ్మీ అన్నం అంటే ఫ్రెష్ అన్నం రాత్రి అన్నం ఒకవేళ ఖరాబ్ అయితే ఏమంటారు బాసీ ఓకే రాజా రంక్ క్యా కహెంగే రంక్ ఓకే సో బైమాన్ కో క్యా బోలెంగే ఇమాందార్ ఇమాందార్ బైమాన్ అంటే మోసం చేయడం ఇమాందార్ అంటే నిజాయితీగా పని చేయడం ఓకే ప్రసన్న అప్రసన్న క్యా లిఖెంగే అప్రసన్న ఇనామ్ సో ఇనామ్ కు క్యా లిఖెంగే సదాం సో మీకు బహుమతి ఇస్తే ఒకవేళ మీకు ఆ మోసం చేస్తే కూడా మీకు శిక్ష దొరుకుతుంది కదా సో శిక్ష ఇనామ్ गुस्सा गुस्सा को क्या आएगा विलोम शब्द शांति क्या आएगा शांति कोपम साइलेंस ओके सो पर्यायवाची शब्द में आपको क्या है देखो सो तीन तीन राजा को क्या क्या बोलते हैं नृप बोलते हैं ओके नृप नरेश भी बोलते हैं क्या बोलते हैं नरेश सो बाद में भूप भी बोलते हैं भूप राजा को तीन नाम है नृप नरेश एंड भूप सो मछली को क्या बोलते हैं देखो जश जश मीन एंड मत्स्य क्या बोलते हैं मत्स्य मत्स्य सागर को क्या बोलते हैं सिंधु सिंधु समुद्र पर्यायवाची शब्द है सो ये है वचन बदलिए और एक वचन एंड बहुवचन में आया है मछली मछलिया घोषणा घोषणाएं कोड़ा कोड़े मछुआरा मछुआरे हिस्सा हिस्से जेल जेले सो ये हमारा जो एक वचन एंड बहुवचन में जो ग्रामर भाग आया है और बाद में जो दिए है नेक्स्ट वर्ड विलोम शब्द सो विलोम शब्द में आपको अपोजिट वर्ड्स अपोजिट वर्ड्स में ताजा अंडे फ्रेश बासी अंडे खराब है बासी अंटारू राजा राजा को विलोम शब्द में रंक बोलते हैं क्या बोलते हैं रंक बेईमान ईमानदार मौसम चेयड़म निजायती का उंडड़म सो बेईमान ईमानदार प्रसन्न हैप्पी अप्रसन्न अंटे चना सैड इनाम अंटे बहुमति सजा अंटे शिक्षिंचड़म गुस्सा अंटे चाला कोपम शांति अंटे इंद्री साइलेंस ओके सो पर्यायवाचक शब्द में आपको दिया है राजा को क्या बोलते हैं नृप नरेश भूप मछली जश मीन मत्स्य मत्स्य सागर को सिंधु बोलते हैं समुद्र बोलते हैं और रत्नाकार भी बोलते हैं गरीब गरीब अंटे चाला लेनो लंडे पूर दीन निधन धनी सो उसको तीन तीन नाम दिए हैं राजा मछली सागर गरीब सो इसको तीन तीन नाम पर्यायवाची शब्द में आया है सो ये आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखेंगे बाद में सीडब्ल्यू में भी कर आप अपने स्लेट वर्क में प्रैक्टिस भी करेंगे सो नेक्स्ट वन में आपको देखो ग्रामर भाग आया है मुहावरे क्या आया है मुहावरा सो मुहावरा अंटे दानी एम पेटिना अर्थम से चूँगी कुछ वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ देते हैं सो मुहावरा को चूँगी कोड़ला से मन को अर्थम का दर्थम चेस्कटे दी मुहावरा अंटार से कुछ वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ देते हैं इन्हें मुहावरे कहते हैं जैसे अंगूठा दिखाना साप मना करना अंटे कोंदर चूडंडी कोड़ला मात्लाडतारु अंटे एदैना कोपम एवर मीदा चूपेडम कानी मनकु एप्पुडु अर्थमैतंदी तर्वात अर्थमैतदी अरे नेनु अदी नाकु कादु इंकोल्ली तिट्टुकोवडम अनि अट्ला
चेसुकोनंटे मुहावरा अनि अंटारु। से चूडंडि इसमें क्या दिया है, अगर मगर करना अंटे टाल मोटल करना, टाल मटोल करना। आटे में नमक अंटे पिंडीला चाला उप्पु उंटे एमवुतदी, बहुत्कम अंटे चाला तक्कुव। उंगली उठाना फिंगर्स लेपडम, उंगली अंटे मनम एवर्तोटी कोपंगा वेल्ली कोट्लाड़ते मन फिंगर्स तोटी माट्लाड़तां कदा, से उंगली उठाना आरोप लगाना, से तन मीद तप्पुगा चूपेयडम। एल्वेटी चूपेयडम अंटे तप्पुगा चूपेयडम। कमर खसकना अंटे तैयार होना, अंटे लोल्लीकि तैयारम अव्वडम। कंटकहार मीन्स बहुत प्यार करना, चाला अंदर तोटी प्रेमगा उंडडम। खून का प्यासा अंटे मन रक्तम नी तागियडम अंटे जान दुश्मन, एवरि मन संपेदाका कूडा लेक चेयकुंटा जान का दुश्मन। गोलमाल करना अंटे बेईमानी करना, सो मध्य मध्यलोने तिंपडम मोसम चेयडम अंटे बेईमानी करना। से जूते चाटना अंटे चापलूसी करना, जूते चाटना अंटे तन गुरिंची पोगडिंची वाळ्ळनि मोसम चेयडम। दीन फिरना अच्छे दिन आना अंटे मंची डे रावडम। फूलना समाना बहुत प्रसन्न होना, चाला हैप्पी गा उंडडम। पहाड़ टूटना बहुत कष्ट आना अंटे चाला मन कष्टालु वस्ते बहुत कष्ट अंटे चाला प्रॉब्लम्स नी मुंदु चेयडम। मूतारना अंटे उदास होना अंटे सैड गा चूडडम। सरेको हाथ पाव मारना अंटे प्रयत्न करना, हाथ पाव मारना अंटे मन एक्व कोपम वस्ते मन काल चेयि इट्ला साउंड चेस्तार कदा, सो उसको प्रयत्न करना। सो ये व्याकरण मुहावरे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो आज हम लोग लेंगे, सो सब लोग अपना पेज निकालिए पहले। सो 10th लेसन दोहे। सो देखो आपको 5th क्लास में भी आपको दोहे आए हैं, सो आज हम लोग दोहे पढ़ेंगे खाली, और उसको किसने लिखा है ये दोहे को ये देखेंगे। सो सब लोग निकालिए पहले आप पेज नंबर 32। सो दोहा अंटे एंटिदी, दोहा मीकु तेलुसा दोहेलु एवरु रास्तारु, रहीम रास्तारु, कबीर दास रास्तारु। सो अलाने मन 5th क्लास लो कूडा दोहेलु इच्चारु। देखो कल करे सो आज करे सो अब, परले पल में परले होए गो बहुरी करेगा कब। सो कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होए गो बहुरी करेगा कब। सो संत कबीरदास एम चेप्तुन्नारु अंटे चूडंडि कि जिस काम को कल करना है इसे आज ही करो, हाँ आज ही कर लो, और जो काम आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर इसका अंत हुआ तो फिर तुम अपने काम कब करोगे, तुम्हारे काम अधूरे रह जाएंगे। ओके सो क्या बोल रहे हैं संत कबीर, कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होए गो बहुरी करेगा कब। अंटे रेपट पनीनी इयाला चेंडी, इपड़ु पनीनी इपड़ु चेंडी अने अंटुन्नारु, एंदुकंटे आलस्यमैन तर्वात आ पनीनी एवर चेयलेदु। देखो जो उसे आज ही कर लो, और जो काम आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि उस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कोई उस जीवन का कोई अंटे शनान शनान की लेट अयिते आ पनीनी मन तप एवर चेयलेदु अनि अर्थम। सो बाद में देखो क्या दिया है आपको, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। से अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। दन अर्थम एंटिदी अंटे कवि के अनुसार इस संसार में किसी भी काम या चीज की अति भली नहीं होती, ना अधिक बोलना ही अच्छा होता, तथा अधिक चुप रहना ही इसका प्रकार अधिक वर्षा भली होती है, एवं ना अधिक धूप। अनंटे कवि एम चेप्तुन्नारु ई संसारमला ई जगमला इप्पुडु इंती एंटी अनंटे किसी किसी की काम का चीज की अति भली न करना, एवर्नी एक्व पोगुडियद्दु, एवर्नी एक्व माट्लाडोद्दु, दन्नी एक्व शातं मनं साइलेंस लो पनि चेसि मन पनि चेयालनंटे अति मंचिदि अनि చెప్తున్నారు ఎవరు, కబీర్ దాస్।
सो नेक्स्ट देखिए, उपकारी नहीं चाहते पाना प्रत्युपकार, बादल को बदला भला क्या देता संसार। सो सी और एक बार पढ़िए, उपकारी नहीं चाहते पाना प्रत्युपकार, बादल को बदला भला क्या देता संसार। सो कवि क्या बोलते हैं संत कबीर दास कि कवि के अनुसार उपकार करने वाला व्यक्ति कभी बदले में उपकार नहीं चाहता। सो मननी सायं चेष्टा है ना, मन तोटी मला सायं का कोरकुंटाड़ा कादू से, इसके लिए वह बादल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बादल संसार को बारिश के रूप में पानी देता है। बादल अंडे क्लाउड मन के बादल के रूप में मन को वर्षा अंडे नील मन को इतर वो आ वर्षा मन की तरह मन क्लाउड्स के मन इतना लेदु अंटे पानी देता है, जबकि यह संसार उसके बदले कुछ नहीं देता। सितना मने क्लाउड्स मनमी वाटर इस्तुनामु, दन बटी मनमु मनमी बादल अंटे क्लाउड्स नी मेमन उपकारम चेस्तुनामा लेदु अंटे अलाने सायं चेसनानी मनव तोटी मल्ला सायंगा कोरुकोडानी अनडम अर्थम। सो नेक्स्ट दुर्लभ, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, दुर्लभ मानुष जन्म में है देह न बारंबार, तरुवर जो पता झड़े बहुरी न लागे दार। सो क्या है, दुर्लभ मानुष जन्म में देह न बारंबार, तरुवर जो पता झड़े बहुरे न लागे दार। सो कवि कबीरदास क्या बोलते हैं कि कवि का कहना है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्या है दुर्लभ है, बार बार आत्मी से प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसका पूरा उपयोग करना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो एक बार शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, जैसे ही पत्ता पेड़ से झड़ जाने पर डाल पर दोबारा नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भी दोबारा नहीं होता। से कवि एम अंटे मन मनुष्य जाति लू मनुष्य जाति मन मंच पनी चेयले मन चलने तरह एमी पनी चेयले अला चटू आते मन अला माला अंटेतरा माला मन पेटे माला पेटोस्तदा पेटरासारी किंद पड़ना तरह दाने उपयोग एमी चेयले अर्थम। सो ये दोहे आप घर पर पढ़ेंगे और इसका अर्थ मैं आपको बाद में समझाऊंगी, तब तक आप अपने जो ये बेईमान मंत्री का लेसन जो कंप्लीट हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एक वचन बहुवचन विलोम शब्द ये सब आपने CW में लिखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। जो ये अपना 10वां लेसन है दोहे, ये दोहे आप खाली पढ़ेंगे। सो इसका अर्थ मैं फिर से आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए आप ऑल ऑफ यू थैंक यू नमस्कार।